हाउ इज डॉक्टर सुमित। मैं आपको हमेशा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जानकारी देता हूं। ये एक ऐसा चैनल है जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के रूल रेगुलेशंस के बारे में आपको जानकारी देता है। आप पूरी यूट्यूब पे कहीं भी चले जाएं, आपको डिफरेंट डिफरेंट इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्री स्पेसिफिक कंट्री के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में नहीं जानकारी देंगे। इसलिए मेरी चैनल्स को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, जिससे आपको बहुत अलग अलग नॉलेज मिलेगी। दोस्तों, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोई भी कर सकता है। हमारी जो ये सीरीज है, ये यूरोपियन सीरीज हमने शुरू की है, जिसमें पहला कंट्री हमने ऑस्ट्रेलिया था, दूसरा कंट्री हम बेल्जियम लिया है, थर्ड आज हम कंट्री ले रहे हैं बुल्गेरिया। बुल्गेरिया दोस्तों सोशलिस्ट रिपब्लिक है, एक्चुअली यहाँ समाजवाद है, सोशलिस्ट रिपब्लिक है। हम क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? यहाँ दोस्तों बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, हमेशा याद रखें यूरोपियंस कंट्रीज में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए गारमेंट्स, हम वूलन गारमेंट्स हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। और मैं इसके बारे में बता रहा हूं, बुल्गेरिया बुल्गेरिया में जो एयरपोर्ट्स है वो सोफिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है, जहां पे आप अपने माल को डायरेक्ट एयर से भी भिजवा सकते हैं। इसकी जो सिटी है वो है बर्गस और वर्ना, जो मेन सिटीज हैं। और सिटीज जो कंट्री कोड है, इसका कंट्री कोड है 359 और सिटीज कोड है हमारे, मैं आपको सिटीज कोड भी बताता हूँ। जो मेन मेन सिटीज है जहां पे आप बिजनेस डीलिंग कर सकते हैं वो है बर्गस, वो है 056, सोफिया 02, वर्ना 52 और पोलडिविया 032। दोस्तों ये थे हमारे सिटीज कोड, जो इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट सिटीज जहां पे आप डीलिंग करेंगे उनके बारे में मैंने बताया। दोस्तों सबसे बड़ी बात है, अब आप बिजनेस मीटिंग में बैठ के बिजनेस मीटिंग कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हमारी जो बिजनेस डीलिंग है वो सही डायरेक्शन में जा रही है? दोस्तों जब भी कोई बुल्गेरियन आपसे ये पूछे कि आपका टर्नओवर कितना है, ईयरली आपका टर्नओवर कितना है, तो आप हमेशा समझना कि आपकी जो डीलिंग है वो राइट वे में जा रही है। क्योंकि वो टर्न बुल्गेरियन हमेशा टर्नओवर से आपकी बैक साइड पीछे का आपका बिजनेस के बारे में वो जानने की कोशिश करते हैं। जब भी आपसे वो टर्नओवर पूछे तो आप समझ लेना कि बिजनेस डीलिंग आपकी सही डायरेक्शन में जा रही है। सेकंड, आपसे बुल्गेरियन हमेशा मीटिंग के टाइम भी वो ड्रिंक करना पसंद करते हैं, बियर्स पीना पसंद करते हैं, तो इसमें आपको हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। ड्रिंक वहां का एक्चुअली ट्रेडिशन में है, तो ये चीज आप याद रखें। बुल्गेरिया में क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं? दोस्तों कीवी एक्सपोर्ट करते हैं, जो कीवी हमारे कंट्रीज में मिलता है, आपको पता होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में कीवी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ऑरेंज एक्सपोर्ट कर सकते हैं, शैंपेन एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वूलन गारमेंट्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कारपेट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बुल्गेरियन ट्रेडिशनल अपने अपने घर में डेकोरेशन कारपेट्स की बहुत ज्यादा यूज करते हैं। दोस्तों कारपेट्स यूज कर सकते हैं, और बुल्गेरियन सी फूड्स में भी काफी इंटरेस्ट रखते हैं इसे, क्योंकि बुल्गेरियन कंट्री लॉक्ड कंट्री है, चारों तरफ इसके दूसरे कंट्रीज हैं, वहां सीज नहीं है, इसलिए लेकिन वो सी फूड काफी काफी पसंद करते हैं, इसलिए आप सी फूड का भी वहां एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमारे वनडे वर्कशॉप में आइए, 10 AM टू 6 PM वनडे वर्कशॉप है हमारी साइट पे, या मुझसे डायरेक्ट जो नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं डायरेक्ट अपना नाम रजिस्टर्ड करवाइए। हमारी जो साइट है सुप्रिया ग्लोबल एक्जिम, इस पर जाके आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और हमें फोन करके बता सकते हैं, हम कंफर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे। और हमारे मेरे जो दो नंबर हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, तो हमारे नंबर पे मुझसे डायरेक्ट बात करके आप पता कर सकते हैं। हमारी कंपनी 10 से 12 साल से एक्सपीरियंस है इस इंटरनेशनल बिजनेस में, तो आप वनडे वर्कशॉप अटेंड कीजिए, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। पिछले जितने भी वीडियोस आपने डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के देखने हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए, उनको उन पर जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद है तो जरूर आप थम्स प्रेस कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।